चलो भाई लोगों, बहुत थकने के बाद हम पहुंच गए हैं मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। पर जैसा ये रोड था ना आने का, आपको जाते हुए दिखाएंगे, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए किसी बंदे को, चाहे सुंदर भी हो। इतना ऐसे नहीं बोलते, बेकार रास्ता है लगा मेरे को तो लिटरली। रास्ता बेकार है, अगर रास्ते टफ है, टफ अगर है। रास्ते में किसी के गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या किसी का कुछ हो जाए, पूरे 7-8 किलोमीटर कुछ नहीं है। और ये दिखा खंबा कितना अच्छा है, गाड़ियाँ बहुत आ रखी हैं। पता मेरे को लगता है हमारे जैसे बहुत पागल लोग हैं जो यहाँ तक आ रखे हैं। और ये बिल्डिंग दिखाओ कैमरामैन, बहुत प्यारा पार्क है। अब आना मुश्किल है, रास्ता बड़ा दिखा दे। ये कितना अच्छा है, ये देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं, कितना अच्छी बिल्डिंग है। और यहाँ 20-20 के अच्छा मैं पकड़ा दिए थे ना, ₹20-30। आगे देखो कैसे कैसा पहाड़ है, शॉर्टकट रास्ता भी है जिसमें लोग पैदल चढ़ते हैं। ये देखो श्रद्धालु आ रहे हैं भोले के दर्शन करने, इधर से पैदल चढ़ते हैं। ये देखो किलोमीटर होगी इस सांग के चढ़ाई। ये एक किलोमीटर। कितनी? एक किलोमीटर। अच्छा, पैदल तो कम है, रोड 1 किलोमीटर है। अच्छा, गाड़ी जाती है ऊपर तक? हाँ, पैदल भी है, शॉर्टकट होगा पैदल, है ना? यहाँ फेरे लेके गया था। क्या लेके गया था? फेरे। केड़े फेरे? इधर नहीं है ना मंकी बंदर है? नहीं, वैसे तो 3 है, 1 नहीं है। सबसे बड़ा तो ये है, इसको इसकी फोटो हमने मनसा देवी में लगा रखी है। ये जो साथ में बैठा है सबसे बड़ा मंकी है, लंबा ना, ऐसी मंकी के बाबा के मंदिर को चढ़ते हो ऊपर मनसा देवी ना, वहां पे हमने इसकी फोटो लगा रखी है। मिस्टर अंकुश मंकी, और बहुत अच्छी, पूरा लगता है कि अंकुश ही है। जय भोले, देखो कितना अच्छा आ गया, कितना अच्छा व्यू है, पहाड़ पे ही है पूरा। अभी इसका पूरा लेना इधर इधर इधर। ओहो, गेट नहीं आया ना यहाँ से, बना नहीं सही पीछे से। अब अंकुश गलत साइड बैठ गया। कितनी अच्छी वो देखो कला कर रखी है, कलाकारी देखो, कितना प्यारा, बहुत प्यारा मंदिर है। जय भोले, मुख्य द्वार आ गए जटोली। 5 किलोमीटर है तो सुधर गए। हाँ, झूठ बोला इन्होंने, 5 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर नहीं, क्या पैदल चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर। दूसरे मंदिर में आना है इसमें तो ना। दूसरा कौन है? जो दूसरा हेरिटेज वाला। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ यहीं से वापस चले। ना ना, बहुत प्यारा मंदिर है देखो। और पार्क में आए हुए हैं, देखो कितना अच्छा पार्क है। आपको पार्क में घुमाते हैं और इसके अंदर मंदिर भी है, मंदिर में भी आपको दर्शन कराएंगे भगवान के। देखो कितना अच्छा पार्क है, शर्मा मंडली की टीम सारी आई हुई है। देखो
आगे आगे से दिखा देखो कितने अच्छे अच्छे वो लगाए हुए हैं। पहाड़ियों के बीच में बहुत गहराई पे है, बहुत अच्छा व्यू है, देखो जरा। देखो कितने प्यारे प्यारे क्रिसमस ट्री है, बहुत प्यारे लगा रखे हैं, है अभी बहुत पहाड़ियों के अंदर है। गया देखो मंदिर भी बना हुआ है इसी के अंदर। ये देखो भोलेनाथ जी की मूर्ति बहुत प्यारी बना रखी है पार्क में, बिना तो ऐसा लग रहा है। और पहाड़ियों के बीच में चारों तरफ से पहाड़ियाँ, और ये बहुत ही, और देखो कितनी प्यारी मूर्तियाँ बना रखी हैं, और मंदिर भी कितना अच्छा बना रखा है। और ये किसकी मूर्ति है, सबसे डॉक्टर कृष्ण भगवान की है कि भोलेनाथ की है? कृष्ण की, कृष्ण भगवान की है। मंदिर के अंदर क्या फोन देते हैं, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं महाभारत में हुआ था उसी का चित्र बाहर बना हुआ है। श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत अच्छी लगी हुई है, मंदिर है इसके अंदर, पर इसके अंदर जो है फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं। आप बाहर से घूम लो, कितना प्यारा पार्क है और कितना अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा पार्क है। हम तो पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल, राधे। रुद्राक्ष का पेड़ दिखा, ये देखो ये वाला, ये जो पेड़ लाल पत्ते हैं, जो पीले लाल पत्ते हैं, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। बहुत अच्छी सीनरी है, और देख ये सारे पेड़, सारे पेड़ दिखा, इधर आ जाना, तो जहाँ तो भी आ गया जा। पूरे महाभारत के चित्र जो है ये पार्क में लगा रखे हैं, बना रखे हैं। अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से दर्शन करा रहे हैं। मोहनलाल हेरिटेज पार्क, नेशनल पार्क है ये, इसकी सैर कर सकते हो। देखो हमारे साथ आइए और देखिए और सैर करिए, पहाड़ों का नज़ारा बहुत प्यारा है। देखो कितनी अच्छी सीनरी बन रखी है, गौशाला बनी हुई है, यहाँ यज्ञ होते हैं, हवन वगैरह पाठ पूजा सब इसके अंदर होती है यज्ञशाला में। पहाड़ों के बीच में वो देख, जूम करके दिखा, जूम करके दिखा, पहाड़ों के बीच में जो भोलेनाथ की और गौरा जी की मूर्ति बनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। पहाड़ के बीच में है ये, जिन हाथों ने इन मूर्तियों को बनाया, भगवान उन हाथों को सही सलामत रखे। बहुत प्यारी मूर्तियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आप भी देखिए, हमारे साथ घूमिए, ये यज्ञशाला है। अंदर जो कैमरे ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर का दिखा नहीं सकते, बाहर से दिखा सकते हैं, बाहर से दिखा दे। पाठ पूजा होती है इसके अंदर होती है। देखो अध्यक्ष जमीन होगी है,
देखो पहाड़ों के बीच में एलिफेंट चरने जा रहा है, यहाँ मूर्तियाँ, ये दिखा दे इधर, यहाँ मूर्तियाँ बनाते हैं जो कारीगर है, यहाँ बैठ के मूर्तियाँ बना रहे हैं। इधर जो है लंगर की जो लगता है, तो एक तो बच चुका है, डेली नहीं होता है, शायद जैसे उधर संडे को होता है। भाई बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ है तो यहीं बैठ जाए, यहीं आ जाए, इधर बैठ जाते हैं। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गो। देखो कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, दिखाइए जरा। और देखो कितने घोड़ों का चित्र बनाया, ऊपर श्री कृष्ण जी है, एक कृष्ण भगवान की लीला है। देखो पहाड़ों के बीच में हो रही है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई हैं। के बिहारी ओ जरा दे रस के बिहारी, तेरी मूर्त सुंदर सुंदर है, तेरी मूर्त सारी प्यारी, तेरी मूर्त पे जाऊं बलिहारी, तेरी मूर्त पे जाऊं बलिहारी, जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी बिहारी, जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, तेरी मुरली प्यारी प्यारी, तेरी मुरली प्यारी प्यारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी बिहारी, जय राधे रस के बिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी, तेरी कमर में तगड़ी प्यारी, तेरी कमर में तगड़ी प्यारी, तेरी तगड़ी पे जाऊं बलिहारी, तेरी तगड़ी पे जाऊं बलिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी बिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी, हो जय राधे रस के बिहारी, हो
जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, तेरी गैया है प्यारी प्यारी, तेरी प्यारी प्यारी, तेरे ग्वालों पे जाऊं बलिहारी, तेरे ग्वालों पे जाऊं बलिहारी, होए जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, ओ जय राधे रस के बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जी अब हम जा रहे हैं, हमारे साथ साथ चलना, जहाँ भी हम जाए वहाँ अपना आशीर्वाद बना के रखना। अब देखो हम मनलाल हेरिटेज पार्क से जो है अपने घर के लिए जा रहे हैं, अभी घर के लिए भी नहीं, वैसे कसौली जा रहे हैं, अभी कसौली में घूमेंगे थोड़ा बहुत, फिर लंच करेंगे, उसके बाद हम जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। अभी बहुत टाइम है, हम शाम को जाएंगे चंडीगढ़, तो अभी हम कसौली जा रहे हैं। हमारे बच्चा पार्टी, हमारी टीम जो है बहुत थक जाती है, वो भाग जाती है आगे आगे, हम दो तीन बचे हैं, हम पीछे चले आराम से, कि हमने नहीं दौड़ना है भाई, हमने आराम से जाना है, इसीलिए हम आराम से चले हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी वादियों में हम घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बता तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अपना एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा, कभी देखा नहीं था कि ऐसे ऐसे दर्शन भी होंगे, बहुत और अच्छा, पहाड़ियों के बीच, पहाड़ियों के बीच में अभी असली में तो तबाह है, जब ऊपर गाड़ी ऊपर जाएगी, हाँ, मन बहुत खराब हो रहा है पहाड़ियों में भाई, जब नीचे आए तो जैसे माउंटिंग के लिए हो रहा है कि बॉफ्टिंग आ जाएगी, पर भाई आई तो नहीं। ये बताओ ये नजारा देख के कैसा लगा आपको? इतना अच्छा लगा, देखिए अब आप बताइए कि ये आपको देख के कैसा लगा? हमें तो भाई बहुत प्यारा लगा, हम आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग आगे भी दिखाते रहेंगे, हमारे ब्लॉग जो है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बहुत प्यारा पार्क है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नेशनल पार्क है जिसकी सैर हम आपको करा रहे हैं, ये है सोलन में, बहुत प्यारा बना हुआ है, और यहाँ ये है ना कि अंदर से जो है अंदर के मंदिर के अंदर का जो है वो दिखा नहीं सकते, मूर्तियों का बहुत प्यारा, इतनी शांति मिली कि वहाँ हम चाहे पूरा दिन बैठते, दो दिन बैठते, चार दिन बैठते, मन नहीं भरता, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो हाँ जी, देख लो आप कितने अच्छे पहाड़ है, कितने पहाड़ियों के बीच में बनाया हुआ है, शांत है, कारागिरी, हम तो कहते उनके हाथ हमेशा सलामत रहे जिन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा पार्क बनाया है, तीन चार बजे तक घूमने के लिए बहुत टूरिस्ट प्लेस है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा पार्क है, आप भी आइए बच्चे ने और शेयर करिए, घूमिए और हमने हमारा ब्लॉग देखिए, जब हम डालेंगे इसको तो आपको सारे ब्लॉग में हर हर व्यू दिखेगा, जो यहाँ बना हुआ है वो हर चीज दिखेगी आपको, बहुत अच्छा बना हुआ है। ना ना शांति है, एकांत एकांत स्थान है, और यहाँ फूल बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, ये फूल दिखा कुछ, हेलो एक फूल दिखा, कितने तो, प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, यहाँ पे गाड़ी से आए हम, पांच ही बंदे हैं, कितने प्यारे प्यारे, अभी तो यहाँ मंदिर में आ रखे थे, ये फूल दिखा सारे, भेजू आपको फोटो दिखाऊंगा, ये दिखा, ओके, विनोद अग्रवाल के भजन चल रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को मिले, और यहाँ की तो फुलवारियाँ बहुत अच्छी लगी, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है, कितने सुंदर सुंदर फूल है। देखो क्या है सोलन कसौली, बहुत प्यारा व्यू है, कितनी अच्छी पहाड़ियों पे बसा हुआ सोलन, बहुत प्यारा है, देखो
देखो हम सारे इधर घूमने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आंशु किसी के सिर पे गिर जाएगा पत्थर ना। कितना नीचे जंगल में कोई है तो नहीं? चाचू पत्थर फेंक रहा हूँ ऊपर से। तेरा चाचू है? चाचू नीचे तो मैं ईंट फेंकता हूँ तो ईंट फेंकेगा। देख नीचे कितना बढ़िया, देख आंशु है क्या है। ओ भाई गोभी, वो देखना वो पात गोभी जो पहले दिखी थी हमें, फूल गोभी है कि पात गोभी? फूल गोभी है। पत्थर सड़क पे जा रहे हैं? नहीं हाँ वो देखो सड़क है आगे मत आना ज्यादा। ओ ओ एक्चुअल वो कोयला है, बोरी खाली हुई, पैर घुसने का यहाँ से कर रहा है। कुछ मैं जाती हूँ बढ़िया एकदम। किसका किसका मन कर रहा है इधर रहने का? अब हम कसौली से, कसौली में हमने डिनर किया, अब हम यहाँ से चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। किसके घर आए थे कसौली में? कसौली में हमारी एक दीदी रहती है उमा, उसके पास छोटी बहन, उसके पास आए थे। क्या क्या खाया इधर? यहाँ खाया वो पता लग रहा है कि खांसी की हुआ। पूड़ियाँ खाई, मिक्स वेज थी, चने थे, चावल थे, रायता था, सलाद था, सब कुछ था। बहुत अच्छा डिनर, लंच किया, लास्ट में खीर खाई, चाय पी। अब जो है हम चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। अब आप देखो, आप कसौली का व्यू दिखाते हैं, वे दिखाइए, इधर घुमाइए कैमरा। आपको कसौली की सैर कराते हैं। बहुत ठंडा लग गया और ठंड भी लग रही है यहाँ। चंडीगढ़ में तो गर्मी हो गई है पर यहाँ हमें ठंड फील हो रही है। एकदम पहाड़ों के बीच में है कसौली। बहुत टूरिस्ट आते हैं इधर घूमने। मंकी पॉइंट है पर मंकी पॉइंट में हम जा नहीं पाए क्योंकि 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, वहाँ पर टिकट नहीं मिलती है, इसलिए हम मंकी पॉइंट हम कई पहले भी गए हैं कई बार, आज नहीं जा पाए हैं। अब अगली बार आएंगे तो हम जरूर जाएंगे। अब आपको कसौली का व्यू दिखा देते हैं कैसा है। क्या दिखा रहे हो? हेलो जमी बहुत चलने लगी ना, थोड़ी ओवर प्राइज्ड है। मेरे को तो अच्छी लगती है बराबर मोर स्पेशियस थार भाई। जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी गाड़ी है। और इंटीरियर देखियो कितना प्यारा गाड़ी है, चला के देखियो गाड़ी फिर पता चलेगा। आजकल तो इसमें ही आ रहे हैं ना ये जो थे इसके हैंडल वाइज सब कुछ, कैमरा और देख थोड़ी छोटी है लेकिन साइड से देख बॉक्सी लुक कितनी प्यारी है। छोटी तो बड़ी प्यारी लगती है गाड़ी, थोड़ी नहीं बहुत छोटी है, 15 लाख की रेंज की लगती है। मेरे को बड़ी प्यारी लगती है गाड़ी, बच्ची लगती है।
लंबी गाड़ी है भाई, मेरे को ऐसे लगती है छोटी बड़ी लंबी गाड़ी। थार के साथ बिल्कुल खड़ा लो, गलत ज्यादा नहीं रहता। थार सिर्फ बड़ी है हाइट में, नहीं नहीं चौड़ी भी बहुत है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, काफी चौड़ी है इससे, इससे थोड़ी सी चौड़ी है बस। ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ ज्यादा इतना इतना फर्क होगा।